I just came to Christ by simple faith. And understand such big terms, justification, sanctification, doctrine. तो ये जो मैं बड़ी बड़ी बातें हैं कि तुम्हें कराया जाना और नई नई व्यवस्था इन सारी बातों को मैं नहीं समझता हूँ। I just saw one day. मैंने एक दिन देखा। By God's mercy. परमेश्वर की दया के द्वारा। By Paul says in Galatians. जैसे पहले पॉलस गैलेशिया में कहता है। Please God to reveal His Son in me. तो यह परमेश्वर को बहुत आनंद दिया कि उसके बेटे को उसने मेरे ऊपर प्रकट किया। तो उस दिन मुझे एक प्रकाशन मिला कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा और इस बात के लिए मैंने साधारण तरीके से विश्वास किया और फिर मेरा उद्धार हुआ। लेकिन मुझे ये बात को मेरे मुंह से अंगीकार करना है। I believed because I was biased. मैंने विश्वास किया क्योंकि मेरा कुछ And what was it called?
और उसको क्या बोलते हैं? प्रिंस विद गॉड, प्रिंस विद गॉड. उसको प्रिंस एक राजा की जैसे दर्जा मिला. आई वांट टू गिव यू दैट. आई जस्ट वांट टू से आप लोग समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं. व्हाई? क्यों? बिकॉज़ दे वर नॉट अंडर गॉड. क्योंकि वे वो लोग व्यवस्था के अंदर में दे वर नॉट अंडर गॉड. दे वर अंडर अ डिफरेंट कवेनेंट. वे एक दूसरी वाचा के अंदर में. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस. तो मैं यहां पे क्या बताना चाहता हूं? वी आर अंडर कवेनेंट ऑफ ग्रेस. कि हम एक अनुग्रह की वाचा के अंदर में. We are under the covenant of Christ. हम मसीह की वाचा में हैं. God does not deal with you and me according to our sin. परमेश्वर ने हमें और तुम्हें हमारे पाप है उसके हिसाब से नहीं किया. God deals with you according to Christ. परमेश्वर तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करता है जैसे वो मसीह के हिसाब से व्यवहार करता है. God does not deal with you on the basis of what you do or don't do. यीशु मसीह के निकट परमेश्वर तुम्हारे साथ वैसे विश्वास वैसे व्यवहार नहीं करता है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. God deals with the basis of what Christ has done for you. तो परमेश्वर तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करता है कि जो मसीह ने तुम्हारे लिए परमेश्वर के साथ किया. This is my boldness. यह मेरे लिए एक प्रेरणा वाली बात है. I just like to close with this. मैं इसके साथ अपना खत्म करना चाहता हूं. I want to apply this practically. मैं इस बात को व्यवहारिकता में लाना चाहता हूं. No, I fear many of us when we wake up every morning. तो हमें विश्वास करता हूँ कि हम में से जितने लोग भी यहाँ पे जब सुबह उठते हैं. No, I fear, I fear. तो मुझे ये डर है. कि we wake up like I should not do this, I should do this, I should be like this, I should not be like that. तो जब हम सुबह उठते हैं तो हम लोग ये सब सोच से उठते हैं कि हमें आज ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सब करना चाहिए. Yeah, this is to be under law. तो ये बात हो गई कि हम व्यवस्था के अंदर. No, when we wake up every morning. लेकिन अगर हम उठते हैं फ्री टू एंजॉय द लव ऑफ गॉड और हम परमेश्वर का जो प्रेम है उसको महसूस करने के लिए बहुत खुश होते हैं. फ्री टू ओपन माय सेल्फ टू द फादर. तब मैं बिल्कुल फ्री होता हूं मेरे अपने आप को अपने पिता के सामने पूरी तरह से खुला रखने के लिए. आई एम फ्री टू वॉक अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द स्पिरिट. तो मैं उसके लिए पूरा आजाद हो जाता हूं कि मैं आत्मा के अनुसार चलूं. आई एम नॉट अंडर लॉ. तब मैं व्यवस्था के अंदर में नहीं. One more thing like this. और एक और बात है. Sometimes we have a health situation, something wrong in our body. तो कभी-कभी हमारे कुछ हमें कुछ बीमारी होती है या हमारा सेहत ठीक नहीं होता. और sometimes we have financial condition in our life. तो कभी-कभी हमारा जो financial condition है तो वो ठीक नहीं होती. And we tell the Lord like this. तब हम परमेश्वर को ऐसे बोलते हैं. Lord, I pray. परमेश्वर मैंने प्रार्थना किया. I fasted. मैंने fast किया. I've been faithful. मैं बहुत विश्वास योग्य रहा. Why am I still sick? Why am I still poor? तब फिर भी मैं बीमार क्यों हूँ और फिर भी मैं गरीब क्यों हूँ? Without knowing, we tell the Lord what we are doing, not what He has done for us. तो तब हम ये परमेश्वर को बोलते हैं कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे थे, मगर ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया. Yeah, Lord, I come to you based on what you have done for me. तो हमें बोलना है परमेश्वर, मैं इस बात से विश्वास करते हुए आपके पास आता हूँ कि आपने मेरे लिए क्या किया. तो जो पवित्र आत्मा है वह मसीह को मेरे लिए प्रकट करे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो जो विषय में हम सुन रहे थे वह बहुत जरूरी विषय है. आई एम ट्राइंग टू थिंक अबाउट इन हिस्ट्री लाइक व्हाट गॉड डिड फॉर मैनकाइंड. तो मैं यह सोचने के लिए कोशिश कर रहा था कि इतिहास में परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए क्या क्या किया. तो जैसे अभी भाई बात रहे थे कि आज के समय में परमेश्वर खुद मनुष्य के पास आ रहा है कि उसको अपने पास लाने के लिए. If you see when Jerusalem was destroyed and disciples were carrying on the work, Jerusalem was destroyed in the Romans. तो जैसे हम देखते हैं कि जब जेरुसलम को रोमियों द्वारा नाश किया गया था. That time Judaism was considered as a great religion in Israel. तब जुदाइज्म को एक बहुत बड़ा धर्म माना जाता था इज़राइल में. And it always talked about laws, follow this and that. और and come close to God. तो तभी वहाँ पर ये बातें होती थी कि हमें कैसे व्यवस्था को पूरा करना है आगे है और ये बात का पालन करना है. And if you see, Gentiles had their own philosophy and understanding.
cleverness of the mind to get close to God. और अलग अलग जाति वालों के पास यूनानी लोगों के पास उनकी खुद की बहुत सारी बातें होती थी, सोच विचार होते थे कि मैं कैसे परमेश्वर के पास जा सकता हूं. And when a common man, when he heard, when Paul preached to Gentiles, a layman, like a servant girl, was able to understand what God had done for that girl. तो so simple. तो जब Paulus Paul had told about this gospel to a servant girl, it was so simple to understand. जब फ्रेडर पॉलस ने ये बात एक साधारण सी स्त्री को जो अन्य जाति की थी वो समझाई बात, तो वह बहुत साधारण बात थी समझने के लिए. When cleverness of Greeks and Gentiles, they were all confused. I mean, they didn't have any way to, you know, the brilliance of their mind to reach to God. They were just trying to understand some clever things and trying to make way to reach to God and be right with Him. तो जो ग्रीक लोग थे और जो बहुत बड़े बड़े महायाजक लोग थे उनके पास ये बहुत सारी समझ होने के बाद भी उन लोग परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते थे. At the same time, when Jews had their own religion, they had certain laws which God had given and they need to obey that to get right with God. तो उसी के साथ साथ Jews जो लोग थे उनके पास परमेश्वर ने बहुत उनके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जो उनको माननी पड़ती थी परमेश्वर के पास जाने के. And this time what God did was to send His own Son into this world and live that life and die for our sins, and we put our faith in Him and God accepts us. तो इस समय परमेश्वर ने क्या किया कि अपने खुद के पुत्र को इस धरती पर भेजा और साधारण सा जीवन जिया उसके पुत्र ने और वह मारा गया और यह बात साधारण सी बात नहीं समझ. So I was thinking like God made it so simple for us to just put our trust, repent, and put our trust, put my sins on Jesus's, have His cleansing power of His blood, and take it as a free gift. Now God expects that much. तो अभी मैं सोच रहा था कि ये बात कितनी साधारण है कि हमें सिर्फ अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखना है कि उसके पुत्र के लहू के द्वारा हम के पहले के द्वारा हम लोग हमारे जो पाप है माफ हुए. In the first century, this movement was going and spreading flame across from east to west. तो पहले शताब्दी में यह जो मैसेज है ये यहाँ से वहाँ प्रचार किया जाता था. And you don't have to work your way into God's kingdom. God has made a way. Paul was telling that, disciples were telling that, preaching on. And a layman like a servant kind of people, those who are in low esteem in the society, they were able to understand and come into God's kingdom. तो यह बात समझाई जाती थी कि परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा और जब ये समझाई जाती थी कि ये तो एक साधारण सी स्त्री जो जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, गरीब थी, जो वो भी इस बात को समझ पाए. Why the clever people got at my past to read that in 1 Corinthians, how the wisdom of this world God has counted as cleverness of man, and God has counted as nothing, and the foolishness of man, yes, use the foolishness of man to wise than God, something like that. तो पहला कुरिन्थियस में हम ऐसा पढ़ते हैं कि जो बहुत बुद्धिमान लोग थे उसको परमेश्वर ने ये बात प्रकट नहीं की, मगर ये बात साधारण से लोगों में प्रकट की, ऐसा हम This topic of justification by faith, I can tell one story like Martin Luther King. तो यह जो अभी वचन हम सुन रहे थे विश्वास के द्वारा जो भी है ना, ये मार्टिन लूथर के एग्जांपल के द्वारा भी बता सकता हूँ. He was a Catholic monk. वह एक कैथोलिक याचक था. And he was under the bondage of these rules and regulations of Catholic Church. तो वह बहुत 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 उसके ऊपर बॉन्डेज था, बहुत जिसके ऊपर बहुत सारी व्यवस्थाएं और बहुत सारे रेगुलेशंस थे. In his day, like in 17th century, he was told to you need to escape from hell and to pay money from hellfire. तो उसको यह 17वीं शताब्दी में यह समझाया जाता था कि अगर आपको नरक की आग से बचना है तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे और बहुत सारे When he came across this portion of Abraham being righteous by the justification by faith, by his faith in God, it was like a revelation. There was a priest reading the Bible and when he read that, what am I doing here? तो जब यह वचन उस पर प्रकट हुआ और उसने यह पढ़ा कि अब्राहम की जो बातें बाइबल में लिखी है तो यह
went against, went by his own conviction, what he read from the Word of God, and then naming all the theses that were against the Word of God into the high Baptist church. And these people are dead against him, want to kill him. बातें प्रचार कर रहे थे वो सब लोग उसको इतना ज्यादा उसके विरोध में थे कि उसको मारना चाहते थे. He wrote good articles to save laymen who didn't have a book and didn't understand and they didn't have a Bible at home. He explained it to them that it's not by giving money for my relatives arriving escape from hell. It's not about me doing something so that God will accept. It's about my faith in Him. It's not about doing the sacraments or what all things that they have in their person. It's not about that. So Martin Luther ने ये सारे बातों को और अलग-अलग उसने articles लिखे और उसके द्वारा लोगों को समझाया कि ये सब जो धार्मिकता है वे हमारे काम से नहीं है और ये सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करने से है और ये सब बातें उसने आम आदमी तक पहुँचाने की कोशिश की. That's how Protestant Reformation started. और इसी के द्वारा जो जो विरोध करने वाले लोगों का जो समूह था वो शुरू हुआ. That's me actually. Our church is one of that movement. तो जो हमारा जो कलीसिया है वे उसी movement का एक हिस्सा है. We would be in a Catholic church as some people are still today, having a lot of man-made stuff to get right with God. अगर मार्टिन ल्यूथर ने यह दृढ़ता के साथ इसका विरोध नहीं किया होता तो हम भी शायद एक कैथोलिक कलीसिया में होते. And when we hear today as believers, we need to step up. We should go one step further, getting near to God. तो जैसे हम आज के जमाने में जी रहे हैं तो हमें एक और एक कदम लेना चाहिए परमेश्वर की ओर ताकि हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएं. We hear so much about victory over sin. हम कितना कुछ सुनते हैं पाप के ऊपर विजय होने के बारे में. We don't get victory. मगर हमें विजय नहीं मिलती. Because we don't put simple faith in Jesus Christ. क्योंकि हम अपना साधारण सा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं लगा. Just like Abraham, God promised him that you don't have a son, but you have children like stars of the sea and stars of the sky, sand of the sea, or dogs. परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि तुम्हारे जो बच्चे होंगे वे आकाश के तारागण जैसे और जो जो डेजर्ट में जो सैंड है उसके जो कण है उसके जितने होंगे. सेम थिंग अप्लाइज टू मी इन द चर्च. वही जो जो वादा है कि हमारे लिए भी लागू होता है इस कलीसिया में. आई कैन से टू गॉड, लॉर्ड गिव वन विक्ट्री जस्ट लाइक अब्राहम वन को जो विश्वास के साथ परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी उस चीज को परमेश्वर मेरे खाते
keep prayer and struggle, it will happen, and just believe what God has said that you will be a father of my family. तो उसने बहुत कोशिश किया और वह सब नहीं हुआ, लेकिन उसने सिर्फ विश्वास किया जैसे कि परमेश्वर ने उससे बोला था कि तुम्हारे संतान होंगे बहुत सारे। So seeing from the history, this the word of God and these promises are going to be, it should be dear to us. तो हम इतिहास में देखें, इतिहास में जब जाकर हम देखेंगे तो ये सारे जो वादे परमेश्वर ने दिए हैं वो सारे वादे हमारे लिए बहुत प्रिय होने चाहिए। Give thanks to God because they They were thrown to the lions in Roman rule. Believers were thrown to the lions. तो जो विश्वासी थे रोमियों के समय रोमियों एम्पायर में उनको शेरों के सामने ऐसे छोड़ दिया गया था। Are you ready to be thrown to the lions? क्या हम ऐसे ही जो बड़े-बड़े शेर हैं उनके सामने जा मारे जाने के लिए उनके हाथों से क्या हम तैयार हैं? आज के टाइम शेर शेर तो नहीं होंगे, not be lion, but It can be when we proclaim the simplicity of gospel, different religious organizations might persecute us or some political parties might put us in jail. Have you heard of that? So, आज के समय में शायद शेयर नहीं होंगे, लेकिन जो अलग-अलग जो politics के लोग हैं और जो अलग-अलग धर्म के लोग हैं, वो शायद हमें जेल में डालने के लिए क्या पता पर होंगे। By the Holy Spirit, yes, we can. Withstand all this opposition that we face and remorse that we, the reproach that we bear. तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा हम उस जो भी ताड़ना हम पर होगी उसको सहन करने के लिए और उसके ऊपर विजय पाने के लिए हम सामर्थ्य पाएंगे। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। सचमुच ये वचन हमारा जीवन बदल सकता है अगर ये वचन का अर्थ हम प्रभु हमें समझाए तो जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की उसके वो वचन में लिखा है जैसे उसने अब्राहम को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया तो हम सबको भी परमेश्वर कैसा धर्मी ठहराएगा वही विश्वास के द्वारा तो देखो अब्राहम के बारे में जब हमने पढ़ा यहाँ पे रोमियो अध्याय 4 के 19 वचन में देखो जब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे संतान दूंगा और इतना एक दो नहीं उसने कहा मैं तुझे इतने सारे संतान दूंगा जितने आसमान में तारे हैं तो उस समय अब्राहम की हालत क्या थी देखो वहां पर लिखा है उसके 17-18 वचन में उसने निराशा में उसकी हालत क्या थी एक निराशा भरी आज हम भी क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हैं तो हमारी भी आशा ऐसी होगी हम निराश रहेंगे हमारी क्रिश्चियन लाइफ को लेकर कई बार हम में से कोई ऐसा नहीं रहेगा जो एकदम कह सके हाँ मैं आई एम लिविंग अ परफेक्ट लाइफ हम में से बहुत सारे लोग मसीह जीवन को लेकर निराश होंगे शाम में बाइबल पढ़ा लिया हमने ये नहीं किया ऐसे बहुत सारे विषय को लेकर कई बार हम निराश होंगे लेकिन यहाँ पर लिखा है उसने निराशा में आशा रखा इसीलिए और विश्वास किया देखो निराशा के दिनों में उसने आशा रखा विश्वास किया तो हम भी जब यीशु पर अभी ये निराशा का दिन जब हमारे जीवन में चल रहा है तो हमको आशा रखना पड़ेगा और प्रभु पे भरोसा करना पड़ेगा यहाँ पर देखो 19वें वचन में लिखा है वो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर उसने अपने खुद के शरीर को देखा हाउ वाज इट वाज डेड लेकिन प्रभु का प्रतिज्ञा एक तरफ था और वो अपना शरीर को देख रहा था इट वाज डेड फिर उसने सारा को देखा और सारा के बारे में क्या लिखा और सारा के गर्भ को देखा वो भी मरा हुआ था उसने पहले खुद को देखा सारा को देखा तो वो तक डेड लेकिन दूसरे तरफ था परमेश्वर की प्रतिज्ञा देखो हमारा जीवन भी ऐसा ही है एक तरफ है परमेश्वर की प्रतिज्ञा दूसरे तरफ देखो हमारे जीवन के कितने सारे फेलियर अब हमें देखना है हम कहां देखते हैं हमारे फेलियर को हम देखते हैं या परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखो अब्राहम के पास दो चीज था एक तो खुद का मरा हुआ शरीर देख रहा है दूसरा अपनी वाइफ सारा का मरा हुआ गर्भ देख रहा है तो बोथ वर डेड लेकिन उसने वहां नहीं देखा वो क्या कहता है वहां पे वो कहता है उसने अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ को मरी हुई सी दशा में जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ वो दोनों को देखा लेकिन वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ तो हम भी जो मसीह जीवन में जीते हैं हमारे जीवन में कई बार हम फेल होते हैं गिरते हैं हारते हैं तो हमको ये निर्बल नहीं होना और ना हमको अपनी परिस्थितियों पर सोच के हमको गिरना है लेकिन हम कहाँ देखना है हमें उस प्रतिज्ञा की ओर देखना है देखो वो यहाँ पर लिखा है
वो निर्बल नहीं हुआ, अपने परिस्थिति मरे हुए से हालात को देखकर निर्बल नहीं हुआ। और 20वें वचन में लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। देखो, अगर वो अपने हालात देख के, अपने मरे हुए शरीर को और अपनी वाइफ के मरे हुए शरीर को देख के निराश होकर वो कहता था ये नहीं होगा, तो वो परमेश्वर के नजर में क्या होता था? अविश्वासी। You may say, I am a believer. लेकिन जब आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे भरोसा नहीं करते, you are not a believer, it says. You are not a believer, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को नहीं भरोसा किया है। उसने अपने मरे हुए से हालात को देखा, लेकिन उसने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, उसने उस प्रतिज्ञा पे विश्वास किया जो प्रभु ने उसे दिया। टुडे आज प्रभु ने हमको भी एक वचन दिया है, वॉट इफ यू बिलीव, अब्राहम के समान तुम भी धर्मी ठहरा जाओगे। लेकिन आज अगर आपकी मरी हुई सी परिस्थिति को आप देखकर बैठोगे तो आपको परमेश्वर क्या बुलाएगा? क्यों? अविश्वासी, अविश्वासी। उधर क्या लिखा? अविश्वासी होकर संदेह नहीं किया, लेकिन उसने परमेश्वर पे भरोसा किया और इस कारण उसे धर्मी ठहराया गया। तो यदि हम अपनी परिस्थितियों को देखकर निराश होकर हम सोचेंगे ये कभी पूरा नहीं होगा, यू विल बी कॉल्ड एज नॉन बिलीवर। आप सोचेंगे आप बिलीवर हो, लेकिन परमेश्वर के नजर में आप बिलीवर नहीं होगे। लेकिन मरे हुए से हालात में भी अगर आप प्रभु में भरोसा करोगे, उसके वचन पे भरोसा करोगे, प्रभु के सामने आप धर्मी ठहरा जाओगे। मेरा मन में ये आया था कि क्रिश्चियन लाइफ में विश्वास रखना बहुत जरूरी है। मैं तो समझा तो एक शेर की बच्चे को पिंजरे में डालेंगे और उसको बचपन से दूध पिलाते रहेंगे, एवरीडे उसको दूध पिलाओ, एवरीडे दूध पिलाओ, जब तक वो बड़े होने तक आप दूध पिलाते जाओ। और एक बार बड़े होने के बाद उसकी गेट खोलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो वापस दूध की इंतजार नहीं करेगी, वो शिकार करने की इंतजार करेगी, करेक्ट? तो मैं एक को बताना चाहता हूँ, एक की मसीह होने के नाते में कुछ चीज ऐसा अच्छा स्टैंडर्ड्स में रखने के लिए कोशिश की हुई है मेरे सामर्थ्य से। मैं सोचा कि कभी कभी मैं ऐसा करने देता हूँ, एक महीना में एकदम झूठ नहीं बोलूंगा, लस नहीं करूंगा, ईर्ष्या नहीं बनाऊंगा, जलन नहीं करूंगा। कुछ दिन कोशिश करते 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 फेल हो गया और प्रभु में भी एक महीने ले रख सकता हूँ, क्योंकि ये एडम का स्वभाव मेरे सर से लाखों तक बह रहे मैं नहीं रख सकता हूँ। तो प्रभु बड़े चाहत में बोला कि तू बड़ा मंजिल मत रखो, भी छोटा मंजिल रखो। क्या है वो? एक दिन कर रखो। क्या एक दिन में क्या करूँ? एक दिन में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक दिन में मैं कोई लस नहीं करूंगा, कोई जलन नहीं रखूंगा, कोई ईर्ष्या नहीं रखूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपनी शक्ति से करते रहोगे, आप जरूर फील होते रहेंगे। अपने सामर्थ से करना चाहेंगे जरूर फील होते, क्योंकि मेरा जो मैं खुद फील हो गया। मैं एक महीने एक दिन ऐसा रखा था कि 15 दिन में सोचा कि अरे अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन 15 दिन के बाद पीछे 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 मेरा लाइफ में ये बोला कि मेरा शक्ति से मैं कभी विजेता नहीं पाऊंगा। हमको जो विजेता देता है पवित्र आत्मा, हमको जो विजेता देता है प्रभु यीशु। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि जैसे कि ब्रदर किरण आज विश्वास के बारे में बात किया कि इब्रानियों 10:30 में एक वचन में कहा है कि धर्मी जन विश्वास से ही जिएगा, ना तुम्हारी ताकत है, ना तुम्हारी बल है, ना तुम्हारी शक्ति, ना हमारे बैंक बैलेंस नहीं है। धर्मी जन जिएगा सिर्फ विश्वास से ही जो परमेश्वर ने आपको दिया है। जो आज का वचन था वो रियली मुझे और भी चैलेंजिंग जैसा लगा, और ये सेम चीज़ हम लोगों ने जो हमारा फ्राइडे का मीटिंग था उसमें परमेश्वर ने वर्णन किया था कि मैं कुछ शेयर कर सकूँ, तो भी मैं टेस्टिमनी सेम जो फ्राइडे को शेयर किया था वो बताना चाहूँगी कि आज से एक महीने पहले अगर मेरा लाइफ मतलब ऐसा था कि जब से सुजन आई तब से मेरे को ना बाइबल रीडिंग करने के लिए, ना प्रे करने के लिए, इतना पर्सनल टाइम जो मैं लॉर्ड साथ स्पेंड करती थी वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। और उसी चीज़ को लेकर मैं अपने आप पे दोष लगा रही थी कि तेरा लाइफ अभी इतना ज़्यादा परमेश्वर के अंदर नहीं है, लाइक बस अपने परिवार में और वर्ल्डली बनती जा रही है ये सब चीज़। और मैंने लेटर सिस्टर से और मॉम से इवन
by faith आप मतलब अपनी फीलिंग से ना जाओ, फेथ से जाओ. बट मैं सोच रही थी कि कैसे करें बाय फेथ. हम हाँ हम कन्वे करेंगे लॉर्ड में विश्वास करके कि तू मेरे को जान रहा है, देख रहा है. बट मैं सोच रही प्रैक्टिकली वो चीज़ में कैसे एक्सपीरियंस करो अपने लाइफ के अंदर. तो आई रियली थैंक गॉड कि अभी कुछ टाइम से मतलब लाइक 15 वन वीक से तो मैं वो परमेश्वर का वो पीस, वो परमेश्वर का वो रिलेशन जो हो सकता है कि मैं बाइबल रीडिंग करते हुए भी और 1 आवर 2 आवर्स प्रे करते हुए भी, पर्सनल टाइम स्पेंड करते हुए भी वो रिलेशन में लॉर्ड के साथ नहीं ला सकती थी. बट अभी मैं मतलब बता नहीं सकती कि मैं इतनी खुश हूँ कि लाइक अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हम लोगों का भी 10 तारीख को हम लोगों को शायद चेंज करने का है. हम लोगों ने अभी तक हमारे घर का रजिस्टर नहीं हुआ है, एग्रीमेंट नहीं बना है. बट फिर भी मैं सोचती थी पिता तुझे पता है सब चीज़ और सब कुछ तेरे हाथ में सौंपा हुआ है. मुझे पक्का पता है कि मेरा पिता मुझे बेस्ट देगा, छोड़ के समय पर निश्चित समय पर उसको जो खाना था वो जरूर देगा. और मैं देखती थी मेरे अंदर कोई एंग्जाइटीज नहीं है. मतलब पहले ऐसे देखे तो मुझे ऐसा कि घर चेंज करना है, बन नहीं पाती, एक महीना बाकी है, कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे. बट आई रियली थैंक गॉड कि परमेश्वर ने एक मन दिया कि मैं उस पर कम्प्लीटली लीन हो जाऊँ, कम्प्लीटली उस पर कम्प्लीटली मैं अपने आप को उसको दे दूँगी. तभी वो बोलेगा कि जैसे मैं करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है. बट वो सब चीज़ हम प्रैक्टिकली करने के लिए जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है. मतलब हम उससे नहीं थोड़ा सा मैं कर सकता हूँ, तो सिर्फ मदद कर लेना, मैं कर लूँगा बाकी का. बट इसके अलावा कि हम कम्प्लीटली लॉर्ड पर छोड़ दें और परमेश्वर पर अवलंबित हो जाए तो परमेश्वर अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे बोझों को उसके पास ले लेता है. हमको एक ऐसा जॉयफुल और एक ऐसा आनंदित जीवन देता है जिसके अंदर हम हमेशा पीस ले पाएंगे. क्योंकि बोलना बहुत एक हमेशा हम वचन सुनेंगे, वचन पढ़ेंगे, हम मैसेजेस सुनेंगे कि हमको बाय फेथ हम लोग आगे बढ़ सकते, बाय फेथ वी कैन डू दिस थिंग, बाय फेथ वी कैन डू दैट थिंग. बट वो जब तक हम प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, तब तक हम वो चीज़ किसी को शेयर भी नहीं कर सकते और ना ही वो चीज़ हमको लेकर बस एक बातों की चीज़ है, मतलब बोल सकते हैं बस. बट वो चीज़ हम प्रैक्टिकली मतलब जैसे मैं फील कर रही, मैं एक्सपीरियंस करी हूँ, मैं वही मतलब बता भी सकते हैं कि कितना मज़ा आता है वो लाइफ जीने के अंदर जब हम लॉर्ड के साथ एक छोटी छोटी चीज़ इवन हमारे विचारों को हम नहीं किसी के साथ शेयर कर सकते, हमारे हमारे मन में क्या चल रहा है वो हम किसी के साथ बांट नहीं सकते. बट वो चीज़ कहीं पर भी छोटी सी गलती कर रहे लॉर्ड मुझे माफ़ कर दी, जिस मुझे मन नहीं कि मैं ये चीज़ कर सकूँ. तो परमेश्वर पक्का उस चीज़ से हमको मदद कर रहे हैं.